कुछ बहुत कम लोगों के समझ में आता है ये वेदांत का उपदेश, अहम ब्रह्मास्मि, आई एम द क्रिएटर. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, कैसे समझें ये, कितना कठिन है. जो नहीं समझ पाते और वो कदाचित इसकी इसकी गंभीरता को जो नहीं समझ पाते, वो कुछ और ही बात कहते हैं कि मैं ब्रह्म कैसे हो सकता हूं, सोहम मैं कैसे हो सकता हूं, शिवोहम ये इतनी बड़ी बात मैं कैसे बोल सकता हूं, शिवोहम सोहम वही मैं हूं, मैं वो कैसे हो सकता हूं. भगवान संकेत करते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीव भूत सनातन, तू मेरा अंश है, मैं तेरा अंश हूं. इसे ये एक बड़ी बात है, क्या अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही तो क्रिएटर हूं, हम ही तो क्रिएटर हैं, हमने ही तो बुनाया सारा कुछ, ये कुछ हमारे हाथ जो लग रहा है सुख दुख के रूप में, ये हमारे कर्मों का तो फल है. ये बुनी किसने है चादर, ये किसने जीवन चुना है, ये किसने बुना है, ये उपलब्धि किसकी है, ये उत्पादन किसका, ये फल किसका है, ये परिणति किसकी है, कर्म परिणति, ये भाव निष्पत्ति, ये जो कुछ हमारे हाथ लग रहा है, ये ध्यान रखना, जो कुछ सुख दुख के रूप में आपको अब प्राप्त हो रहा है, ये जो वर्तमान आपको प्राप्त है, ये आपके भूतकाल की उपज है, भूतकाल का परिणाम है. इसे कभी कुछ आपने किया है, कभी कुछ आपने सोचा है, ये निर्मिति आपकी है, निर्मिति, ये जो निर्मिति है ना, ये निर्माण जो कुछ आपके आसपास है, ये सब आपका है, आपका किया कराया है, आप ही इसके मूल में हैं, आप ही इसके मूल में. कभी आपने कुछ ऐसा किया उसका ये फल है, तो फिर कुछ अच्छा फल चाहते हो तो अच्छा आरंभ करो.